इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 2×10⁻⁵ कूलम इज। ये चार्ज है, इससे 20 सेंटीमीटर के फासले पर ई की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, हम गेस करके डायरेक्ट नहीं लगा सकते, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा। बहुत आसान बेसिक, एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। तो एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस फॉर्मूला से लिखते हैं, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इस वाले केस में चार्ज की वैल्यू भी गिवन है 2×10⁻⁵ कूलम और डिस्टेंस आर है 20 सेंटीमीटर्स। और जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तमाम यूनिट्स को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करें, तो 20 सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए हमें 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। सो इट विल बिकम 20×10⁻² मीटर्स। ये डिस्टेंस आर गिवन है, ये चार्ज भी गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। ई इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला के मुताबिक वैल्यूज पुट कीजिए। के की वैल्यू है 9×10⁹, चार्ज क्यू की वैल्यू 2×10⁵ और डिस्टेंस है 20×10⁻² मीटर स्क्वेयर। और डिस्टेंस का स्क्वेयर था फॉर्मूला में, हमने इसका स्क्वेयर लिया। सो वी कैलकुलेटेड, कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस कीजिए, तो हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा वो होगा 4.5×10⁶। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम। तो ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था, एक पॉइंट चार्ज का जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। आपको फॉर्मूला याद है, वैल्यूज पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए और राइट ऑप्शन हासिल कीजिए। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है, तो मैंने इसे मार्क कर दिया।